भैया जी, आज इस वीडियो में जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है, मखाना बनने की पूरी जानकारी, मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक हर प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने की बीज की बुआई की जाती है। ये बीज कुछ इस प्रकार का दिखता है, काला और भूरे रंग का। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है और इसके जड़ भी काफी लंबे और रेशेदार हो जाते हैं जो तालाब में नीचे तलहटी पर चले जाते हैं। उसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई महीने के पहले सप्ताह में ये फूल काफ़ी संख्या में आने लगते हैं। ये फूल बैंगनी रंग का होता है जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखता है। अब मई महीने के अंत से फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाना का फल स्पंजी और कंटीला होता है और इसमें बीज की बात करें तो औसतन एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है। जुलाई के महीने तक मखाना का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए ये पानी के अंदर ही फटने लगता है जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का ऐसा कवर होता है और जब एक दो दिन बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफ़ेद हो जाता है तब ये बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है और अगस्त सितंबर माह में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था अब उसे बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए ये किसान लकड़ी से बनी इस बड़ी सी छलनी नुमा टोकरी जिसे यहाँ की भाषा में गांज कहा जाता है उसकी मदद से कुछ लोग इस तरह से पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। सच में हमारे किसान भाई बहुत कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं और अब जब सारा बीज निकल चुका है इसे कुछ इस तरह पैरों से मसलकर बीजों की सफाई करते हैं जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है और फिर इन बीज को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में इन्हें बोरों में भरकर इसके अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं और फिर खास प्रकार के छलनी से छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग करा जाता है और फिर इन बीजों को अच्छी तरह फैलाकर धूप में सुखाया जाता है जिससे इसका रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी के कढ़ाई में भुना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडे छायादार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है जिससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। आपको बता दें कि बीज को भुनने के लिए 4 मिट्टी के और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा फट फट की आवाज आने पर इन बीज को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। अब मखाने की पॉलिशिंग और इससे अच्छी तरीके से छिलका अलग करने के लिए इस मखाने के लावों को इस मशीन में डाला जाता है जिससे निकलने के बाद एकदम दूधिया सफ़ेद मखाना तैयार हो जाता है और फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर देते हैं तो ऐसे मखाना तैयार हो जाता है। दोस्तों, हमें इतनी जानकारी इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत लगी है। आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। और आगे ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।